अनपढ़ को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखों को क्या समझाओगे? निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए
रहेंगे। गांव के मतदान केंद्र में लंबी लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं और शहरों में लंबी लाइन देखते ही वो बाद में डालने की इच्छा व्यक्त करते हुए वापस चले जाते हैं। और हम सभी को जब तक अपनी जवाबदारी हम नहीं समझेंगे, ये अनपढ़ को तो हम समझा सकते हैं लेकिन पढ़े लिखों को क्या समझाओगे। ये तो ऐसी कहावत है कि सोए को जगा सकते हैं लेकिन सोने का बहाना करें उसको हम क्या करेंगे। तो मैं तो कि आज मतदाता दिवस के अवसर पर मैं अपने प्रदेश की जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई अपने मत का प्रयोग का महत्व समझे और देश के लिए मतदान के दिन अपना जितना भी बहुमूल्य समय हो उसमें से समय निकाल कर मतदान केंद्र में अवश्य जाए और अपना मत का प्रयोग करें। ये मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ। सर, एक वर्ग में चर्चा हो रही है कि ये बातें पार्लियामेंट में भी कई बार आई कि हम सरकार की कई योजना के तहत उनको लाभ देने का प्रयास हर सरकार कर रही है सर। और इतना सरकारी लाभ लेने के बाद भी अगर वो वोट अपना महत्व नहीं समझे तो ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर उनकी सुविधाएं को समाप्त कर देनी चाहिए। ये पार्लियामेंट में बहस में आया था लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन किसी को थोड़ा बहुत दंड देने से गलतियां समाप्त नहीं हो जाती। हम उसको कैसे मतदान केंद्र तक जाए वो, हम उसको कैसे कन्विंस करें, इसके लिए प्रयास होगा। बहुत धन्यवाद सर।